हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कि मेरे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नो शेव नवंबर चल रहा है, तो ना शेविंग करने का टाइम मिल रहा है, ना वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है। लेकिन फाइनली आज मैंने थोड़ा सा, लास्ट डे है नवंबर का, तो मैंने टाइम निकाल ही लिया वीडियो बनाने के लिए। और मैं इसमें आपको थर्मोग्राफी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ। तो एक रूफटॉप साइट है, और रूफटॉप साइट पे यूजुअली क्या होता है, इंक्लिनेशन कुछ कम रहता है, मतलब स्लोप कम रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हम मॉड्यूल्स फिट करते हैं, मतलब स्लोप, रूफ़ का जो स्लोप रहेगा उसी स्लोप के अकॉर्डिंग हम मॉड्यूल फिट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि दिन के टाइम में ड्यू का फॉर्मेशन होता है, पानी की हल्की लेयर बन जाती है, या जो लोग मॉड्यूल क्लीनिंग पानी से करवाते हैं, तो पानी से साफ़ करने के बाद मॉड्यूल के कॉर्नर पे एक पैच सा, पानी का पैच इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे डस्ट, और आप बोलिए कि जहाँ पे आप थर्मल प्लांट के पास साइट है या सीमेंट फैक्ट्री के पास साइट है, तो वहाँ पे वो डस्ट एक्यूमुलेट होने लगती है और सेल के ऊपर एक पैच बनने लगता है। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल दिख रहा है। तो मॉड्यूल में अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो डस्ट यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन कॉर्नर पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पानी का है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम मॉड्यूल को उधर से साफ करना स्टार्ट करते हैं, तो पानी बहते हुए, क्योंकि स्लोप ऊपर से नीचे इस तरफ से आ रहा है, तो पानी आके यहाँ कॉर्नर में इकट्ठा हो जाता है। अब ये बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि पैच जो है, पानी स्लाइड होते होते ऊपर से यहाँ नीचे तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे पैच एक्सेसिव बन जाता है, तो सिंस ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो जो सेल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, वो बाकी सेल्स के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने लगती है, मतलब यहाँ पे हॉटस्पॉट जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब वो आपको नॉर्मल आइस से नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे। मेरे पास एक डेडिकेटेड इक्विपमेंट है, दिस इज़ अ कैट S60 थर्मल कैमरा, ठीक है, इट इज़ इक्विप्ड विद फ्लर टूल, ठीक है, वो अलग से भी एडिशनल भी मिलता है, जो आप माइक्रो USB में कनेक्ट करके या डेडिकेटेड थर्मल इमेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो, बट दिस इज़ यू नो वेरी यूज़र फ्रेंडली, एक मोबाइल की तरह है। एक्चुअली इट इज़ एन एंड्रॉयड डिवाइस इक्विप्ड विद थर्मल कैमरा, तो मुझे और कोई एडिशनल इक्विपमेंट का सहारा नहीं लेना पड़ता है, मैं इसी से रिपोर्ट जनरेट करके आगे भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा हाउ टू यूज़ दिस इक्विपमेंट, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर अगर आप मॉड्यूल अगर देख पा रहे होगे, तो मॉड्यूल पूरा गंदा है, ठीक है, पूरा इधर से गंदा है, पानी का जो पैच आता है इधर कॉर्नर में इकट्ठा हो जाता है। नॉर्मल आँखों से लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ नॉर्मली गंदा है, लेकिन अगर आप, मैं थर्मल कैमरे से देखना है, इसी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो थर्मल कैमरे से ये जो नॉर्मल अपना कॉर्नर का जो मॉड्यूल है ना, वो एकदम देखिए आपको चमक के दिख रहा है। अगर आप इसमें अभी नॉर्मल फुटेज देख रहे होंगे, तो देखिए नॉर्मल फुटेज में आपको कैसा दिख रहा है, नॉर्मल फुटेज में आपको दिख रहा है कि मॉड्यूल एकदम ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन थर्मल इमेज में मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा स्पॉट है कॉर्नर वाला, गंदगी की वजह से वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर बाकी सब सेल पे है वो 44 है, ठीक है, लेकिन जो कॉर्नर वाला सेल है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 55, 57, 58 जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मैन्युअली भी किसी से टेस्ट कराता हूँ, तो मेरे साथ मिस्टर कुलजीत हैं, वो टेस्ट करेंगे। कुलजीत जी, इधर आइए, थोड़ा सा आप उस कॉर्नर के पास चले जाइए। सो आई हैव मिस्टर कुलजीत, तो ये क्या करेंगे, आपको मैन्युअली भी टच करके बताएंगे। आप बैठ जाइए मॉड्यूल के पास, और कॉर्नर वाले मॉड्यूल पे हाथ रख के देखिए, वो आपको कितना रहे, बहुत गर्म है। दूसरे मॉड्यूल पे टच करिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आपको, तो इसमें देखिए थर्मल इमेज में इतना यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो हाथ भी नहीं रख पा रहे हैं, और नॉर्मल मॉड्यूल पे वो बगल वाली सेल पे रख रहे हैं, तो उनको टेम्परेचर डिफरेंस साफ साफ पता लग रहा है, ठीक है। तो थर्मल इमेजिंग का गाइज ये बेनिफिट है, अगर आप कंपेयर करोगे, आपको नॉर्मल आइज से नहीं दिखेगा वो टेम्परेचर, लेकिन आप थर्मल कैमरे से अगर इसको टेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पॉट। तो गाइज़, ये एक ऑपरेशनल चैलेंज है, बहुत सारे लोग इसको मिटिगेट नहीं कर पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे स्लोप पे मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ पे
ज़्यादा स्टीप नहीं है और पानी का पैच, सीमेंट या ऐश डस्ट आग के आपके मॉड्यूल के लास्ट रो पे एक्यूमुलेट हो सकती है और जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि आप थर्मल इमेजिंग के थ्रू उसको नहीं देख पा रहे हो, तो ये इसका बहुत ही कैटास्ट्रफिक इम्पैक्ट हो सकता है। होगा क्या कि अभी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जून जुलाई के टाइम में क्या होगा, ये जब टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर भी हाई होगा और मॉड्यूल टेम्परेचर हॉटस्पॉट की वजह से इंक्रीज़ होगा, तो पीछे जो ईवीए शीट होती है प्लास्टिक की वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, वो आग पकड़ सकती है, आपके रूफटॉप पे आग लग सकती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खतरा है। साइंस बहुत सिंपल है, आपके सोलर मॉड्यूल के अंदर जो भी सिलिकॉन के सेल्स लगे रहते हैं वो सीरीज़ में लगे हैं, ठीक है, और सिलिकॉन इज़ अ फोटो कंडक्टिव मटीरियल, मतलब जितना इस पर लाइट पड़ेगा उतनी इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाकी सेल के लिए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जिस सेल के ऊपर डस्ट का पैच बन गया है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो सीरीज़ में करंट फ्लो होने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो गंदी सेल के लिए क्या हो रहा है, वो सेल बाकी सेल्स के लिए रेजिस्टर का काम कर रही है, और रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो लॉसेस को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेशन, ठीक है। कोई भी रेजिस्टिव मटीरियल होगा, जैसे आपका हीटर होता है, तो हीटर इज़ अ रेजिस्टिव एलिमेंट, उसमें से करंट पास होता है तो वो गर्म होने लगता है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जो सेल है वो गंदी है तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टर फॉर अदर सेल, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। समय के साथ क्या होगा, अगर हम इस पैच को साफ़ कर देंगे तो वो सही भी हो जाएगा, लेकिन हम साफ़ नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, इट विल बिकम अ परमानेंट हॉटस्पॉट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और यही चीज़ आपको मिटिगेट करना है कि आपको जो भी आपकी साइट है वहाँ पे ऐसा पैच ना आए, आप उसको साफ़ रखें ताकि आपके सोलर पावर प्लांट की जो हेल्थ है उसका लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज़ हो कर पाए। तो आई होप गाइस ये छोटा सा टेक्निकल वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको सोलर प्लांट से रिलेटेड ऑल भी कूल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सम अदर यू नो R&D पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट ऑन लिंक्डइन। माय नेम इज़ हिमांशु एंड यू नो आई हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड और भी, मतलब अगर आपको कूल टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स वीडियो देखने हैं बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी स्पेशली ऑन सोलर एनर्जी, सो जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।